हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने साइंस महल चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप बहुत जगह पढ़े होंगे पर विज्ञान के बारे में नहीं जाने होंगे, तो चलिए विज्ञान को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान को अगर हम संधि विच्छेद करें तो बी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी। तो बी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी। तो चलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु के विषय में विशेष जानकारी को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसके बारे में हमको विशेष जानकारी है। जैसे एक कलम के बारे में जानते हैं, ये विशेष जानकारी है। ये हो गया आपको विज्ञान। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी है, वह सब हो जाता है विज्ञान। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान को भी तीन भागों में बांटा गया है। विज्ञान के तीन शाखा होते हैं। पहले तो रासायनिक विज्ञान, दूसरे भौतिक विज्ञान और तीसरे जीव विज्ञान होते हैं। पहले रासायनिक विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। तो मेरे दोस्तों, विज्ञान के तीन शाखा, ये शाखा का मतलब क्या होता है? देखिए, शाखा का मतलब होता है जैसे पेड़ की शाखा, नदी की शाखा, बैंक का शाखा, यानी कि किसी चीज का भाग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने साइंस महल चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप बहुत जगह पढ़े होंगे पर विज्ञान के बारे में नहीं जाने होंगे, तो चलिए विज्ञान को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान को अगर हम संधि विच्छेद करें तो बी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी। तो बी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी। तो चलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु के विषय में विशेष जानकारी को हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसके बारे में हमको विशेष जानकारी है। जैसे एक कलम के बारे में जानते हैं, ये विशेष जानकारी है। ये हो गया आपको विज्ञान। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए जिसके बारे में हमको कुछ जानकारी है, वह सब हो जाता है विज्ञान। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान को भी तीन भागों में बांटा गया है। विज्ञान के तीन शाखा होते हैं। पहले तो रासायनिक विज्ञान, दूसरे भौतिक विज्ञान और तीसरे जीव विज्ञान होते हैं। पहले रासायनिक विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। तो मेरे दोस्तों, विज्ञान के तीन शाखा, ये शाखा का मतलब क्या होता है? देखिए, शाखा का मतलब होता है जैसे पेड़ की शाखा, नदी की शाखा, बैंक का शाखा, यानी कि किसी चीज़ का भाग।